के बाद नाराजगी उनकी देखने को मिली। जेएमएम से मोह भंग हो गया है, ये चंपई की तरफ से लगातार जो खबरें थी वो सामने आ रही थी। अब ये तस्वीरें आप कुछ देख रहे हैं, आपको बता देते हैं वो क्या वजह हो सकती है जिस वजह से ये बड़ा कदम वो उठा सकते हैं बीजेपी में शामिल होने की। ये जो आशंका है, ये जो खबरें हैं वो क्यों है, क्योंकि जेएमएम से मोह भंग हो गया। जब से पद छीने गए तब से नाराजगी थी। सोरेन हेमंत से मतभेद है, दोनों के बीच में मतभेद की खबरें हैं, क्योंकि जब इस तरीके का पद आपके पास होता है। हम अगर बात चंपई सुरेन की करें तो मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं 2010 की बात करें, 13 तक की बात करें तो अर्जुन मुंडा सरकार में उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी संभाली है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर बनते हैं, फिर उनसे पद ले लिया जाता है। और फिर अगर उनके बेटे की बात करें तो अपने बेटे के राजनीतिक करियर और उनकी जमीन तलाशने को लेकर भी कई बार खबरें सामने आ चुकी हैं कि उसको लेकर भी वो काम कर रहे हैं। और जब उन्हें लग रहा है कि अब कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो फिर उसके बाद ये खबरें सामने आई हैं। लेकिन अब बात मुलाकात की क्यों हो रही है, क्यों कोलकाता में मीटिंग हुई कहा गया, क्यों दिल्ली में मीटिंग होगी ये कहा गया, और क्या है कयास बताते हैं। लोबेन की बात करेंगे, लोबेन हेम्ब्रम जिनसे उनकी मुलाकात हुई, चंपई सुरेन और उनकी मुलाकात हुई, और उसके बाद से ही ये एक और वो खबर है जिसके बाद इस तरीके की खबर को हवा लगी और ये कहा गया कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। आप कड़ी से कड़ी जोड़िएगा, एक और खबर सामने आई, जेएमएम ने लोबेन को अयोग्य घोषित किया था, आपको याद होगा, जिसके बाद लोकसभा चुनाव में जेएमएम के खिलाफ वो लड़े थे और हेमंत सोरेन के खिलाफ बोलते भी रहे हैं। लगातार लोबेन के ऐसे बयान सामने आ चुके हैं। और खबर तो बीच में हमने आपको यह भी बताई थी जो सामने आई थी कि बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं, फिर चंपई सुरेन की उनसे मुलाकात, जिनकी खबरें पहले से ही सामने आती रही हैं, जो हेमंत सोरेन के खिलाफ बयान बोलते रहे हैं, जो लोकसभा चुनाव में जेएमएम के खिलाफ चुनाव लड़े थे, उनसे जब उनकी मुलाकात हुई तो ये कयास और भी बढ़ गए, कयासों को बल मिला कि चंपई बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चंपई ने इस मुलाकात को सामान्य मुलाकात हालांकि बता दिया हो, लेकिन ये जो खबरें सामने आ रही हैं वो तो यही बता रही हैं कि कुछ तो अंदर ही अंदर चल रहा है या कुछ तो अंदर ही अंदर हुआ है जिसकी वजह से इन खबरों को बल मिल रहा है या हवा लग रही है। दिल्ली आने से पहले चंपई कोलकाता भी गए थे, क्या बीजेपी के किसी बड़े नेता से उनकी मुलाकात वहां पर हुई, क्योंकि सूत्रों के हवाले से तो खबर यह भी है कि कोलकाता में उनकी मुलाकात होटल में किसी बड़े नेता से हुई है, जिसकी वजह से ये खबरें सामने आ रही हैं और इन खबरों को हवा मिल रही है। झारखंड की सियासत के बारे में हमने आपको बताया, अब आपको भारत के यूसीसी कोर्ट के बारे में, इस कानून के बारे में बताते हैं और इसको लेकर क्यों हलचल बढ़ रही है यह भी आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी को लेकर क्या ऐलान किया और क्यों मौलाना घबराए हैं, देखते हैं। सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड, भेदभाव करने वाला सिविल कोड। समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। कॉमन और जीवन मूल्यों से जुड़ा हुआ मुद्दा, इसका विरोध वही कर सकते हैं जो वास्तव में संविधान विरोधी है। भारत में रहना होगा तो निश्चित रूप से समान नागरिक संहिता को मानना होगा। एक देश एक कानून, जब जब इसकी बात हुई है तब तब सियासत और हलचल देखने को मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से 78वीं स्वतंत्रता दिवस की सालगिरह पर क्या कहा, पॉइंटर्स के जरिए आपको बताते हैं। देश में यूसीसी में बदलाव जरूरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। सेक्युलर सिविल कोड क्यों उन्होंने कहा कि जरूरी है, मौजूदा सिविल कोड सांप्रदायिक है, इससे कहीं ना कहीं जो अलग अलग भावनाएं हैं वो धर्मों के बीच, रिलीजन के बीच आ जाती है। समान नागरिक संहिता में बदलाव जरूरी है, उन्होंने ये भी कहा। सेक्युलर सिविल कोड समय की मांग है, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं डेवलप कंट्रीज की बात करें तो जरूरी है कि अब इसमें बदलाव होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अगर हम बात करें, हम उनके नाम भी आपको बताएंगे, वहां पर यूसीसी है, यानी कि एक जैसा कानून है। यूसीसी पर देश में चर्चा होनी चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि चर्चा होना
बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि क्योंकि भारत विकसित भारत की हम बात करते हैं, तो ऐसे में जरूरी है कि एक देश एक कानून हो, वरना सांप्रदायिक जो भावना आती है वो ठीक नहीं होती है। क्या कुछ उस दिन उन्होंने कहा था, सुनिए। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं, और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो, और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। तो सेक्युलर यूसीसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, ये आपने सुना। वहीं इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने समर्थन दिया है और उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, सुनिए। जब से लाल किले की प्राचीर से सेक्युलर सिविल कोड की बात हुई है, तब से कुछ लोगों को नींद नहीं आ रही। ये किसी रिलीजन से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। जब सेकुलर संविधान की या यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है, तो निश्चित रूप से एक नारी को सशक्तिकरण की बात आती है, बात आती है बच्चों को अधिकार देने की बात आती है, बात आती है परिवार व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात आती है। तो इन सब चीज़ों से आखिरकार कुछ लोग हैं जो कि नारी द्रोही हैं, उनको लगता है कि अपनी जमीन उनके पैरों तले से खिसक रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, आखिरकार जो विरोध कर रहे हैं वो किस बात पर विरोध कर रहे हैं? तो ये बयान आपने सुना, जो विरोध कर रहे हैं किस बात का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने कहा। आगे बढ़ते हुए अब आपको पॉइंटर्स के जरिए एक बार बता देते हैं कि यूसीसी पर जो बयान दिया है, इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से क्या कहा गया और वो क्यों परेशान है और क्या कुछ बदलाव उसके बाद हो जाएगा। पीएम के यूसीसी वाले बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रतिक्रिया सामने आई। यूसीसी पर पीएम मोदी ने टिप्पणी की, वो हमने आपको सुनाया। अब इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की ये टिप्पणी आपत्तिजनक है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी लाने की कोशिश अस्वीकार की। उन्होंने कहा, हमें मंजूर नहीं है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, हम अपने शरिया कानून से चलेंगे, हमारा जो कानून है हम उसे अपनाएंगे। धार्मिक पर्सनल लॉ को सांप्रदायिक बताना गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान हमने आपको सुनाया, उन्होंने कहा कि इससे सांप्रदायिक भावना बढ़ती है। ये अब जो जरूरत है बढ़ते भारत की, विकसित भारत की, वो यही है कि यूसीसी हो और एक कानून हो। इसे गलत बताया है, कहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। मुस्लिम पर्सनल लॉ से समझौता नहीं करेंगे, ये भी AIMPLB ने साफ साफ कर दिया है। हमारा परिवार शरिया कानून पर आधारित है।